दोस्तों, हार तो कभी माननी नहीं है हमें। हम असफल हो सकते हैं, लेकिन वो एक जीतने का एक रास्ता है। तो एक छोटी सी कविता जो मैंने लिखी है, वो आपको समर्पित है। कौन कहता है तू हार गया, ये तेरी हार नहीं तेरी जीत है। ये वो कह रहा है जो काम से मन मार गया, पर तेरी तो काम से ही प्रीत है। उसके हाथ अभी कोमल हैं, मुसीबत में काम नहीं आएंगे। तूने सफलता भले अभी नहीं पाई, पर तेरे मजबूत हाथ ऊपर तुझे बढ़ाएंगे। नज़र उठा और देख चारों तरफ, क्या नज़र उठा और देख चारों तरफ, कुछ हंस रहे होंगे कुछ पसीना बहा रहे हैं। याद कर उस मांझी दशरथ को, तोड़ दिया पहाड़ उनके लिए भी जो हंस रहे हैं। तू केवल अपनी मत सोच, जरा ध्यान दीजिएगा, तू केवल अपनी मत सोच, सोच को बढ़ा और देख समाज को। तू अपनी किस्मत तो बदलेगा ही, क्या तू कोशिश कर रहा है ना, इसलिए तू अपनी किस्मत तो बदलेगा ही और तू बदल देगा समाज को। देखिए, आज के कंपटीशन के ज़माने में लोग अपनी अपनी सोच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समाज फिर दूसरी तरफ बढ़ रहा है, सामाजिक कार्यकलाप हो रहे हैं। तो हमें अपनी सोच को बढ़ाना होगा और अपने समाज के लिए भी सोचना होगा। जब आदमी केवल अपने से लिए सोचता है, तो वो श्रेष्ठ बनने के लिए सोचता रहता है कि मैं इससे ऊपर जाऊंगा, मैं उससे ऊपर जाऊंगा, लेकिन वो अपने विचारों से कभी जीत नहीं पाता है। उसकी थिंकिंग छोटी हो जाती है, वही एक शहरी समाज की तरह हो जाएगा, एक कमरे में बंद, गांव की तरह खुलापन नहीं होगा उसमें। तो श्रेष्ठ बनने से अच्छा है कि उत्तम बनो। आप भले ही उस मुकाम पे ना पहुंचो, लेकिन उत्तम बनना सबसे बड़ा है। और जो उत्तम होता है, वो अपने आप से उस मुकाम पे पहुंच ही जाता है। तो साथ साथ अपने साथ साथ समाज की भी सोचिए, जिससे हमारे समाज में सहभागिता बनेगी और सारे एक साथ ऊपर बढ़ेंगे। तो तू बदलेगा खुद को भी और तू बदल देगा समाज को भी। एक छोटी सी कविता आपके लिए थी। धन्यवाद।